नॉन गेजेटेड पुलिस पेंशनर्स वेलफेयर फोरम की तरफ से आज जम्मू के प्रेस क्लब में एक बार फिर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान इन्होंने अपना हक लेकर रहेंगे, वी वांट जस्टिस जैसे नारे लगाए और कहा कि फिफ्थ पे कमीशन जब से लागू हुआ तब से ही हमें डिनाई किया गया। इसके साथ साथ इन्होंने अपनी अन्य मांगों को लेकर जम्मू कश्मीर की पूर्व सरकारों पर भी निशाना साधा और उपराज्यपाल से इंसाफ की गुहार लगाई। सर, हमारा फिफ्थ पे कमीशन 1996 से जब लागू हुआ तब हमारे साथ बेइंसाफी की डिनाई किया गया पुलिस डिपार्टमेंट को, तब से लेकर सिक्स पे कमीशन और सेवन्थ पे कमीशन में एज इट इज़ रखा गया। और तब से लेकर जितने भी हुकूमतें आईं, चाहे कांग्रेस, एनसी, पीडीपी, सब के साथ हमने रुजू किया तो सब जितने भी चीफ मिनिस्टर साहबान थे उन्होंने लारे वादे जानसे ही दिए, हमारे इस मसले को हल करने की किसी ने कोशिश नहीं की, सब उन्होंने टाइम किल किया। तो अब गवर्नर साहब आए हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद ये हमारे इस मसले को जल्द से जल्द हल करेंगे और सीनियर सिटीजनों के साथ इंसाफ फरमाया जाएगा। और इतनी हार्ड और फास्ट ड्यूटी देने के बावजूद आज हम लोग प्रोटेस्ट और धरने पर सड़कों पर उतरते हैं, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि भाई इन लोगों ने सीनियर सिटीजनों के साथ भी इंसाफ नहीं फरमाया। दूसरी बात यह है कि मेडिकल अलाउंस जो है कम से कम 1000 रुपया सेंटर पैटर्न पर सेंटर एम्प्लॉय को दिया जा रहा है तो हमें सिर्फ 300 रुपया दिया जाता है, ये भी एक किस्म का बहुत बड़ा मजाक हमारे साथ किया जा रहा है। तो उसके बाद तीसरी बात यह है कि हमारे बच्चों की रिजर्वेशन जो है मेडिकल कॉलेजेस, प्रोफेशनल कॉलेजेस और रिक्रूटमेंट में कम से कम 10% कोटा हमें दिया जाना चाहिए। जय 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 जय